हेलो फ्रेंड्स, आज हम रामेश्वरम ट्रिप की बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ अपनी रामेश्वरम ट्रिप शेयर कर रही हूँ। रात 1 बजे यहाँ रामेश्वरम के एक होटल में रुके थे। अब सुबह हो चुकी है और हम मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। देखिए, ये उस होटल का बाहर का सीन है जहाँ पर आज हम रुकने वाले हैं। अब हम बाहर की तरफ निकलने वाले हैं। देखिए, ये मेन मंदिर है। अंदर की तरफ से मंदिर की रिकॉर्डिंग और फोटोज लेना बिल्कुल मना है, इस वजह से मैं आपको केवल बाहर से मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। ये हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर का सीन है। देखिए, यहाँ पे इस तरह लाइन लगती है दर्शन के लिए। सुबह सुबह के टाइम पर बहुत रश रहता है, शाम को थोड़ा कम हो जाता है। ये मंदिर के कॉरिडोर्स हैं, ये 400 से 600 फीट तक लंबे हैं, दक्षिण और उत्तर दिशा की तरफ फैले हुए हैं। इन कॉरिडोर्स की हाइट 6.9 मीटर्स तक है। इसका तीसरा कॉरिडोर एक डिज़ाइन की वजह से बहुत फेमस है, जिसे चोकटम मडप्पम भी कहते हैं। ये पहली बार देखने पर एक बड़े चेसबोर्ड की तरह दिखता है। यहाँ पर 22 तीर्थ या कुंड हैं। दर्शन करने से पहले लोग यहाँ पर नहाते हैं। शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी प्यूरिफाई करने वाला है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए, दर्शन करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जो मंदिर के बहुत ही पास है। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे के सफ़र के लिए जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ये रेस्टोरेंट के बाहर का सीन है। यहाँ बारिश हो रही है, इस वजह से हम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक गए हैं। यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिलेंगी जहाँ बहुत सुंदर सुंदर सामान मिलता है, जैसे सीप और शंख से बनी चीज़ें, मिरर और हैंडमेड बहुत सारे आइटम्स। देखिए, अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और हम धनुषकोड़ी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, रास्ते में ये रेलवे ट्रैक पड़ा है जो 1964 में आए साइक्लोन की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके बाद ये दोबारा नहीं बनाया गया। अब धनुषकोड़ी की तरफ जा रहे हैं। धनुषकोड़ी या कोडंडा रामास्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथर्न मोस्ट यानी बिल्कुल साउथ की टिप पर बना हुआ है, जो कि पहले साइक्लोन का शिकार हो चुका है, जो 1964 में यहाँ पर आया था। यहाँ इस वजह से ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया था। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने अपने धनुष के बाण से राम सेतु या ब्रिज का एक एंड तोड़ दिया था, तभी से इस जगह का नाम धनुषकोड़ी पड़ा। धनुषकोड़ी के रास्ते में ये दो सीज दिखाई देते हैं। हम दोनों सीज के बीच में चल रहे हैं। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है तो दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है। लोकल फिशरमैन्स बे ऑफ बंगाल को पैन कड़ल या फेमिनाइन सी भी कहते हैं। ये इंडियन ओशियन से ज़्यादा काम या शांत है। हमारे एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है। देखिए, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन है। हम बस धनुषकोड़ी पहुंचने ही वाले हैं। हम धनुषकोड़ी पहुंच चुके हैं और आपको दो समुद्र मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, कितने साफ दिखाई दे रहे हैं ये। एक का पानी डार्क ब्लू तो एक का लाइट ब्लू है। दोनों समुद्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हम कलाम मार्ट के लिए निकलेंगे। कलाम मार्ट बहुत फेमस है,
देखिए अंदर से कितना सुंदर है ये। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शो पीसेस हैं, सीप और शंख से बना सामान है। बहुत यूज़फुल चीज़ें भी हैं और डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत हैं। हमने यहाँ पर शॉपिंग भी की थी। यहाँ पर अंदर आने के लिए फुटवियर्स को बाहर ही रिमूव करना पड़ता है और यहाँ पर फोटोग्राफी मना है। ये थी हमारी रामेश्वरम की ट्रिप। जो लोग रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन किसी वजह से उनका प्रोग्राम नहीं बन पा रहा, तो वो घर बैठे इस वीडियो को देखकर हमारे साथ ये ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू अपडेट्स एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।